न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और इस वक्त की बड़ी खबरें आ रही हैं बड़वानी जिले के पानसेमल खेती और पलसूद से। पानसेमल विकास खंड के ग्राम कांसुल के ग्रामवासियों ने महीने में सिर्फ एक दिन राशन दुकान खोलने के आरोप लगाए हैं। वहीं अपनी मांग को पूरी करने के लिए सीएम हेल्पलाइन का सहारा भी ले चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। जी हां, पानसेमल विकास खंड के ग्राम कांसुल में इस माह पर्याप्त राशन नहीं मिलने से परेशानी उठा रहे हैं ग्रामीण। उन्होंने बताया कि राशन दुकान पर पर्याप्त मात्रा में इस माह राशन नहीं मिला है। क्या कह रहे हैं ग्रामवासी, आइए देखते हैं। बहादुर पटेल है और मैं ग्राम कांसुल का निवासी हूँ। यहाँ पर राशन दुकान में जो दुकान खुलना चाहिए महीने में दो तीन बार, वो एक ही बार खुल रही है। और 29 तारीख को हमने 181 पर शिकायत दर्ज करवाई, उसके बाद 30 तारीख को दुकान खुली। और दुकान खुली तो खुलने के बाद में राशन कम वितरित किया जा रहा है, कम दिया जा रहा है। तो उस पर संबंधित जो भी सेल्समैन अधिकारी है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को लगभग राशन नहीं मिला है? यहाँ पर कम से कम 100 लोगों से ज्यादा भी हो सकते हैं। केवल इसी माह की बात है या प्रतिमा होती है? इसी माह की बात है यहाँ पर, ये अगस्त महीने की। अच्छा, अधिकारी से भी बात हुई आपकी, खाद्य अधिकारी से पानसेमल के? खाद्य अधिकारी से किसी से बात नहीं हुई। अच्छा। नहीं, सेल्समैन पर बात हुई हमारी, सिर्फ फोन पर सेल्समैन से बात हुई। उनको समस्या के निराकरण के लिए हमने बुलाया पर वो उपस्थित नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं आया। और 181 आपने करी? हाँ, 181 हमने 29 तारीख को 181 पर हमने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा दी। क्या नाम है भैया आपका? भारत सिंह पवार। राशन को लेकर क्या समस्या है? मुझे हर महीने 55 किलो मिलता है और इस महीने 43 किलो मिला है। अच्छा, ग्रामीणों की शिकायत आई थी हफ्ते में दो बार खोली जाए और कम राशन मिल रहा है। सेल्समैन से बात करके दो बार खुलवाया जाएगा और समय सारणी क्या है वो बोर्ड बाहर लगा दिया जाए, मोबाइल नंबर, समय सारणी सेल्समैन के। खेतिया पुलिस की तत्परता से अवैध गौवंश परिवहन करने वाला गिरफ्तार हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक बड़वानी भी खेतिया पहुंचे हैं। आपको बता दें, पुलिस ने गौवंश के अवैध परिवहन करने के आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को सुबह जायलो वाहन में क्रूरता पूर्वक भरे गए गौवंश का अवैध परिवहन करता कल दोपहर को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश किया गया है। पलसूद नगर में पुलिस विभाग द्वारा लोडिंग वाहन में सवारी परिवहन करने वाले वाहन चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आपको बता दें, अवैध रूप से लोडिंग वाहनों में सवारी बैठाकर परिवहन करने पर कार्रवाई की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने तथा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। उसी के चलते पलसूद में वाहन चेकिंग के दौरान दो लोडिंग वाहनों को चेक कर कार्रवाई की गई है।